बलिया में भोजपुरी स्टार और गायक पवन सिंह पर शो के दौरान पत्थर फेंका गया। ये घटना सोमवार की बताई जा रही है। तब गायक स्टेज पर थे, उसी दौरान ये पत्थरबाजी की घटना हुई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बलिया में पवन सिंह पर पत्थर चलने के बाद शो के दौरान भगदड़ मच गई। भोजपुरी स्टार के इस शो को देखने के लिए भारी भीड़ जुटी हुई थी, लेकिन इसी दौरान किसी व्यक्ति ने भीड़ में से पवन सिंह पर पत्थर चला दिया, जिसके बाद ये पूरी घटना हो गई। शो के दौरान जब भगदड़ मची थी और लोग इधर से उधर जा रहे थे, तो किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। इसके बाद ये वीडियो वायरल हो रहा है। कार्यक्रम में देखा जा रहा है कि कैसे पत्थर चलने के बाद शोर हो रहा है, लोग इधर से उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पत्थर से पवन सिंह को कोई चोट नहीं लगी है। दरअसल सोमवार 6 मार्च को यूपी के बलिया जिले के निकासी गांव में एक रिसेप्शन पार्टी थी, उसमें भोजपुरी सिंगर को स्टेज पर परफॉर्म करना था। उन्हें रणधीर सिंह के बेटे रणविजय सिंह की शादी के बाद होने वाली पार्टी में इनवाइट किया गया था। अब पवन सिंह पहुंचे, इनके साथ साथ एक्ट्रेस अंजना सिंह और डिंपल सिंह भी पहुंची। महफिल सजी, गाना बजना शुरू हुआ और देखते ही देखते बवाल हो गया। जब पवन सिंह स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे, तो रात के 12 बजे किसी ने उन पर पत्थर फेंक दिया। निशाना उस व्यक्ति ने ऐसा लगाया कि पत्थर चेहरे पर जा लगा। हालांकि चोट ज्यादा नहीं लगी, लेकिन इस हादसे के बाद पार्टी में हंगामा मच गया, भगदड़ हो गई। पवन सिंह को फौरन स्टेज से नीचे बुलाया गया और कार्यक्रम को रोक दिया गया। भारी सुरक्षा के बीच प्रोग्राम दोबारा शुरू हुआ। वहीं पत्थर चलने की घटना के बाद भोजपुरी स्टार गुस्से में नजर आए। हमले के बाद पवन सिंह ने हमलावर को ललकारा, कहा हिम्मत हो तो सामने से वार करो। पीठ पीछे हमला करने वाले को कायर कहते हैं। हालांकि इसके बाद मामला शांत हो गया और परफॉर्म करने के बाद कार्यक्रम खत्म किया गया। ये कौन मेरा दुश्मन आया है? तुम्हारे अंदर अगर पावर है ना, तो सामने आके दिखा दे कि ढेरा मारा कौन है, कि करा मैं जोर पता नहीं दिखावा कौन मारा था। आपको बता दें, पवन सिंह की गिनती भोजपुरी फिल्म जगत के नामचीन स्टारों में होती है। लोग पवन सिंह के गाने को खूब पसंद करते हैं।